चुके हैं वरुण दुबे yes. हमारे साथ hmm. स्टूडियो में इस वक्त और वो करने जा रहे हैं इंडेक्स में कुछ बड़े बदलाव शुभ मुहूर्त तेरह तारीख का निकला हाँ वैसे तो चेंजेस होंगे निकलास फरवरी हाँ. हाँ? हाँ. क्योंकि इस बार फरवरी से बदलाव होंगे आएगी पड़ेगा कॉमन सेंस है क्या और इतने साल हो गए सेम ही आएगी कट कर नहीं आएगी मुझे बताओ तीन साल के बाद आता है तीन <laughs> साल में कभी कभी <laughs> कटी <laughs> <laughs> एक दिन बढ़ाने की सोचे तीन साल में कट जाएगी समझा तो जा करो और कटेगी भी कितनी एक की नहीं तीन दिन की तीन दिन की इकतीस से गिनेंगे अरे अरे हाँ चल रहा है बढ़िया चल रहा है सही बात है तो सैलरी तो उतनी आएगी और एम uh, एस में जो बदलाव है वो उनतीस फरवरी से लागू होंगे okay. ये मैं आपको बता देता हूँ और इसकी कट ऑफ डेट बेसिकली अगर आप देखेंगे कि कौन से स्टॉक सिलेक्ट होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए ये अठारह जनवरी से इकतीस जनवरी का है और तेरह फरवरी को एम की तरफ से बदलाव का ऐलान होगा इंटरेस्टिंग ये है ये नुवामा की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि चार जनवरी तक तो अगर आप देखेंगे तो एम एस सी मार्केट इंडेक्स में भारत का जो टोटल शेयर था 17.1 परसेंट था दो हज़ार के मध्य तक ये 20 परसेंट पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है जिन स्टॉक्स में रीशफलिंग हो सकती है इसकी लिस्ट इन्होंने पहले भी बताई थी उसको रियाइट्रेट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक राइडर्स के साथ सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो शामिल हो सकते हैं उसमें जिंदल स्टेनलेस पी एन बी बी एच ई एल एन एम डी सी ओबरा रियल्टी शामिल है ये उन्होंने पहले भी कहा था कुछ स्टॉक्स जिनको शामिल होने के लिए दो से छः परसेंट के आसपास की रैली चाहिए उसमें एल्केम लैब्स यूनियन बैंक सोलार इंडस्ट्रीज प्रेस्टीज एस्टेट जैसे काउंटर शामिल है कुछ स्टॉक्स जिनको शामिल होने के लिए आठ से बारह परसेंट की रैली चाहिए उसमें दालमिया भारत एन एच पी सी जी एम आर एयरपोर्ट जिसमें ब्लॉक डील भी हुई और नायका जैसे काउंटर शामिल है जिन स्टॉक्स को शामिल होने के लिए पंद्रह से बीस परसेंट की तेज़ी की जरूरत है उसमें कैनरा बैंक मैनकाइंड बॉश और वोडाफोन आइडिया जैसे काउंटर शामिल हैं तो ये एम एस स्टैंडर्ड इंडेक्स के बारे में इन्होंने कहा है जहाँ तक एम एस स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 22 स्टॉक्स शामिल हो सकते हैं जिसमें एडा होना सा कंज्यूमर जे कुमार इंफ्रा फेड बैंक फाइनेंस सी बैंक जैसे काउंटर शामिल है अब क्योंकि जी और प्रेस्टीज स्टैंडर्ड इंडेक्स में आ सकते हैं जिसके स्मॉल कैप इंडेक्स ये बाहर हो जाएंगे एक स्टॉक जिस पर आपको नजर रखनी है वो है आई क्योंकि इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा है कि स्टैंडर्ड इंडेक्स से फिलहाल कोई भी बाहर नहीं होने वाला है केवल एक स्टॉक जिस पे इनकी नज़र है वो है आई इनका कहना है कि अगर तीन से चार परसेंट के आसपास का करेक्शन कट ऑफ डेट तक आ जाता है तो आई की प्रोबेबिलिटी है कि एम एस स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर हो जाए तो बाकी चीज़ों को तो इन्होंने रियाइटलेट किया है कुछ राइडर्स के साथ लेकिन आई जी एल यहाँ पर आप नजर रखिएगा कट ऑफ डेट तक अगर यहाँ पर करेक्शन आया तो शायद ये स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर हो सकता है ये नुवामा का कहना है ओके okay, तो आईजीएल पर आप बड़ा इंपैक्ट देख रहे हैं एसेंशियली ये, ये आ, हाँ, इस टॉक को अपने रडार पर रखिएगा कट ऑफ डेट तक कैसा मोमेंट रहता है कैसा मोमेंट रहता है